गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छा, काफ़ी लोग पहले से ही आ गए। गुड इवनिंग सोमल्या, अनुष्का, रहमान, पिंकी, सोनल, थैंक्स ए लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। होप यू विल गेन ए लॉट फ्रॉम दिस सेशन। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दलपत चारण, आरजे सिंह, मुरली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आप ये सेशन लाइव देख रहे हैं। आज का हमारा सेशन आरएएस इंटरव्यू के लिए है। आरएएस इंटरव्यू मेंस परीक्षा का हाल ही में रिजल्ट आया है और इंटरव्यू इस परीक्षा का आखिरी चरण है। इस एग्ज़ाम का प्री पास करके, मेन पास करके, फिर आप इंटरव्यू में कहीं जाके आपका नंबर आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस बार दोस्तों, जितनी सीट है उनके दुगना जो है कैंडिडेट्स को लगभग पास किया है। तो इसमें से आधे लोग ऐसे होंगे जो सफलता का स्वाद चखेंगे, जिनके जीवन में बहार होगी, और आधे लोग ऐसे हैं जो इसमें से निराश होंगे। और इस आशा और निराशा के बीच में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इंटरव्यू। दोस्तों, मैंने पहला सेशन लिया था पीएसआई इंटरव्यू का, तो उसको भी मैंने क्विकली आरएएस इंटरव्यू के लिए रिकैप किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समान हैं। तो आईएएस इंटरव्यू या पीएसआई इंटरव्यू और उस पर भी हमारे जो सेशन हुए थे, तो आरएएस इंटरव्यू में भी मैं क्विकली थोड़ा सा आपको रिकैप करूँगा, जिससे आपको उसके बारे में पता रहे। मैंने दो कोट लिखी है, व्हाट यू थिंक यू बिकम इंटरव्यू में और पर्सनैलिटी टेस्ट में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने यह कहा था, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट हैबिट। हम वो हैं, हमारे जो विचार या जो हम बार बार करते हैं वो हमारी जो है ना व्यक्तित्व बनाती है। और ये व्यक्तित्व का परीक्षण है इंटरव्यू। ज्ञान का परीक्षण कम है, ज्ञान इसमें सेकेंडरी है और व्यक्तित्व इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इंटरव्यू ये देखने के लिए होता है कि आप उस पद के सूटेबल हो कि नहीं, आप में सरकार आरएएस देखती है कि नहीं, इंटरव्यू बोर्ड आरएएस अधिकारी देखता है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्सनैलिटी टेस्ट और इसका जो महत्व है, इस स्लाइड में मैंने ब्रीफली इसकी डेफिनेशन दी है कि गवर्नमेंट जॉब और सिविल सर्विसेज इंटरव्यू इज नथिंग बट ए ओवरऑल पर्सनैलिटी असेसमेंट ऑफ ए कैंडिडेट मीन फॉर चेकिंग हिज सूटेबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और सर्विस। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड थ्रू रिटन एग्जामिनेशंस एंड इट्स वेरियस स्टेजेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें आपकी पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होना है। आपके ज्ञान की परीक्षा तो पहले ही आरपीएससी या यूपीएससी पहले ही ले चुका है। आरएएस बहुत टफ एग्जाम है, आप सब जानते हो, करीब 5 लाख लोग इसमें बैठते हैं। इस बार 1051 वैकेंसीज थी और उसमें से 18,000 लोग 5 लाख में से मेंस में पास, प्रीलिम्स में पास हुए, और मेंस में 1953, रफली 0.4% लोग जो टोटल एप्लीकेंट थे उनका पास हुए, और 0.2% जो लोग हैं वो फाइनली इसमें सेलेक्ट होंगे। तो अब दोस्तों, इस ऊंचाई पे है कि यहाँ से जो कैंडिडेट है वो इतना ऊंचे पहुँच गया है कि उसके घर परिवार, समाज, गांव, रिश्तेदार सब ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे लगा ली है, और उन उम्मीदों का बहुत ज़्यादा दबाव हर कैंडिडेट पे होता है। और इसमें इस दबाव से पार पाना भी हर कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा, हर्ष कुंडारा जी की क्लास आप कम्युनिटी वॉल पे आप चेक कर सकते हो, उस पर डलवा देंगे अगर नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, तो इंटरव्यू के बारे में ब्रीफली आपको रिकैप कर रहा हूँ कि आरएएस इंटरव्यू में क्या होता है। आरएएस इंटरव्यू में प्रोसेस इस तरह से है कि इंटरव्यू बोर्ड में 3 से 5 मेंबर होते हैं, जिसमें आरपीएससी का एक मेंबर चेयरमैन होता है बोर्ड का, या मेंबर या चेयरमैन जो आरपीएससी का होता है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर सीनियर मेंबर का जो दूसरा मेंबर होता है वो होता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इसमें बैठता है दोस्तों, और एक साइक्लो एनालिस्ट होता है। तो कई बार मैं बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं तो जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है उनमें एक और बढ़ जाता है। और दोस्तों, कई बार
अच्छा डिले आ रहा है क्या? नहीं ठीक है। और कई बार इसमें 5 मेंबर होते हैं तो एक ब्यूरोक्रेट और बढ़ जाता है, कई बार दोस्तों इसमें 3 मेंबर होते हैं तो मेंबर एक आईएएस आईपीएस और साइक्लो एनालिस्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कई बार नहीं होता है। तो ऐसे दोस्तों 3 से 5 मेंबर का बोर्ड होता है। आरएएस एग्जाम मेंस 800 मार्क्स की होती है जो हो चुकी है। इसकी जनरल के लिए कट ऑफ 344 थी और डिफरेंट कैटेगरी के लिए ये अलग अलग कट ऑफ थी। तो ये दोस्तों अब जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का है। इस एग्जाम में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये इसका कलर कहाँ है, ये है क्या? तो दोस्तों ये जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो ये है कि अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, करते रहिए, कि ये जो 100 नंबर का इंटरव्यू है ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है आपको। छोटा इसलिए लग रहा है कि 800 का मेंस है और 100 नंबर का इंटरव्यू है तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है। 15-16% इसके जो मार्क्स आपको लग रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि इस 800 में जो कट ऑफ है वो 344 है ना। और टॉप के जो कैंडिडेट हैं एक दो अगर उनको आप छोड़ देते हो तो जो डिफरेंस है जो मार्क्स में जो कैंडिडेट के जो टॉपर है एक दो टॉप की रैंक को छोड़ दें, उनके एक्सेप्शनली ज़्यादा आते हैं, तो जो डिफरेंस है वो 40-50 नंबर का होता है डिफरेंस रिटन में। अब जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का है और उसमें जो डिफरेंस है दोस्तों वो डिफरेंस 20 नंबर से लेके कैंडिडेट के कई बार इससे कम भी आते हैं और 85 नंबर तक। तो दोस्तों डिफरेंस कितना है 65 का। इसका क्या मतलब निकला? इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जो लिखित में जिसके कम से कम मार्क्स हैं वो अगर उसको इंटरव्यू में 85 मिले, 80 मिले, 75 मिले तो टॉप कर सकता है, टॉप की रैंक में जा सकता है, वो आरएएस बन सकता है। और जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, टॉप के एक दो लोग छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सूची से बाहर भी हो सकता है या कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और बिल्कुल नीचे की सर्विस में जा सकता है। तो दोस्तों जो इंटरव्यू है आरएएस में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस ऊंचाई पे पहुंच गए हो कि वहां से अगर गिरते हैं तो चोट बहुत लगेगी, निराशा बहुत होगी। तो हमें निराश नहीं होना है, हमें ऐसी तैयारी करनी है कि हमको ये जो टॉप वाले मार्क्स हैं ये मिले, जिससे कि हमारे रिटन में अभी कितने भी मार्क्स हो लेकिन हम हर हालत में ऊपर ही ऊपर की रैंक प्राप्त करें। हमें टॉप 100 की रैंक में आना है, अच्छी सर्विस चाहिए तो ये हमारा टारगेट है। इंटरव्यू का टाइप क्या है कि पर्पसफुल कन्वर्जेशन होती है जिससे कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का आपकी जांचा जा सके। सोद्देश्यपूर्ण वार्तालाप, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है, जो वो क्वेश्चन करते हैं वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में उनके दिमाग में होता है, रोड मैप होता है, वो जानते हैं कि उनको क्या पूछना है और किस तरह से पूछना है और आपकी पर्सनैलिटी को कैसे जज करना है। आप में क्या चाहिए, आप में क्या इंटरव्यू बोर्ड देखता है, एबिलिटी टू थिंक देखता है, आप सोच सकते हो, आपकी ऑनेस्ट और सकारात्मक और ईमानदार सोच है, आप में पर्पज की सिंसियरिटी है, एबिलिटी टू रीजन है, तर्क करने की क्षमता है, लीडरशिप की क्वालिटी है और हार्ड वर्क करने की विलिंगनेस टू टॉयल हार्ड, कठिन परिश्रम करने की क्षमता है। तो इस चीज़ का परीक्षण वो आप में करना चाहता है। इसको दोस्तों पर्सनैलिटी को कैसे कोई मापेगा, कैसे कोई जांचेगा, कैसे कोई एसेस करेगा, तो इसके लिए दो ही तरीके हैं, एक है वर्बल कम्युनिकेशन, एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वो आपके ज्ञान का टेस्ट है, जब आप बोलते हैं कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या आप बताते हैं, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। वर्बल कम्युनिकेशन से आपकी पर्सनैलिटी एसेस होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि ओवरऑल आपकी विजुअल पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी जेस्चर पोस्चर बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी ड्रेस कैसी है, आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका ग्रीटिंग करने का तरीका कैसा है, आपका चलने का तरीका कैसा है, आपका खड़ा होने का तरीका कैसा है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आपका अपनी कुर्सी छोड़ने का तरीका कैसा है। तो उससे जो आप
मार्क छोड़ते हो इंटरव्यू बोर्ड पे, जो अपना प्रभाव छोड़ते हो, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। दोस्तों इसकी तैयारी, इसमें एक एक नंबर आपके लिए जीवन भर का अफसोस या जीवन भर की उपलब्धि बन सकती है। एक नंबर कम होने से आपको जो सेवा आप चाहते हैं उससे दूसरी सेवा मिल सकती है। एक नंबर कम होने से आप इस चयन की लिस्ट से बाहर हो सकते हो, और एक नंबर ज़्यादा होने से चयन की लिस्ट के अंदर हो सकते हो। तो काफ़ी लोगों में, काफ़ी कैंडिडेट में मैं इन दिनों मिल रहा हूँ, मेरे हमारे पास इंटरव्यू की तैयारी के लिए, पर्सनल मेंटरिंग के लिए आ रहे हैं। डागोर्स में एकेडमी में हमने बहुत सारे पर्सनल मेंटरिंग प्रोग्राम चलाए हुए हैं, जो मॉक इंटरव्यू से लेके कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल मेंटरिंग तक है, ऑनलाइन कोर्सेज तक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक कैजुअल अप्रोच काफ़ी होता है। 50% कैंडिडेट को तो लगता है कि लगभग आरएएस बन ही गए हैं, हाँ सर ये तो हम कर ही लेंगे, और बेसिक चीज़ों के उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, बहुत बेसिक चीज़ों के, जो पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों जो इंटरव्यू में पर्सनैलिटी का जो वेटेज है वो 50% से ज़्यादा है, और जो आपकी EQ और SQ, इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल कोशेंट, आपकी जो सामाजिक व्यवहार बुद्धि है, IQ का टेस्ट तो आपका लगभग हो चुका है, ठीक है, इंटेलिजेंस का आपका चेक हो चुका है, तो इनमें छोटी छोटी चीज़ों में मात खा जाते हैं कैंडिडेट। तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत गंभीर तैयारी है, ये 100 नंबर की तैयारी है, और ये वो 100 नंबर है जिनसे आपके जीवन, भाग्य और भविष्य, और आपके परिवार की उम्मीद, आपके समाज की उम्मीद, आपके रिश्तेदारों की उम्मीदों का फैसला होना है। तो दोस्तों इसको कैजुअल ना लें, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में ना घूमें, आप अपना एक लक्ष्य तय करें, गुरु तय करें, और वहाँ पे इसकी गंभीर तैयारी करें, जगह जगह ना भटकें। इसकी सबसे पहले प्री इंटरव्यू की प्रिपरेशन है ब्रीफली, तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करनी है। वेल टू स्टार्ट कब करना है, सुबह से शीघ्रम तुरंत स्टार्ट करो, जितना देर आप करोगे उतना आपका प्रतिद्वंदी डायरेक्ट कंपटीशन है, दो में से एक का सिलेक्शन होना है, वो आगे निकल जाएगा, पीछे रह जाएंगे। आप जो है अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसको तैयारी कर दीजिए, क्या भरना है, क्या आपकी हॉबीज़ होंगी, क्या आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, क्या आपकी अचीवमेंट है, क्या आपकी पास्ट हिस्ट्री है, तो उसकी तैयारी आप शुरू करें गंभीरता से, और अपने जो DAF है उसको भरें, उसकी कॉपी एक अपने पास रखें जो मॉक इंटरव्यूज में आपकी काम आएगी। ग्रूमिंग, ड्रेस, ये जो है ना, ड्रेस, शूज, आपकी विजुअल पर्सनैलिटी क्या है, सबसे पहले देखने से पता चलता है। कई बार जो एक बंदा वेल ड्रेस्ड होता है, वेल प्रेजेंटेड होता है, आपके सामने आता है, दोस्तों ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, मिस्टर इंडिया या मिस इंडिया का कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन इसमें पर्सनैलिटी, विजुअल पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। महेंद्र गुर्जर जी, अंकुर गुर्जर जी, अजय, आप सबका बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो ग्रूमिंग, जैसे अभी हमारी कुछ पर्सनल मेंटरिंग का सेशन था, तो उसमें लोगों के सवाल थे, वो बोल रहे थे कि सर क्या ज़रूरत है, पेंट और शर्ट सिंपल पहन के जाना चाहिए, क्योंकि उनके गुरुजी ने बताया कि टाई सूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों भारत RAS स्टेट गवर्नमेंट की एक प्रीमियर सर्विस है, IAS और RAS दोनों, IAS के बाद RAS जो है स्टेट गवर्नमेंट की सेकेंड नंबर की सर्विस है, और इसको बहुत महत्वपूर्ण पदों पर, जिम्मेदारियों पर नियुक्त किया जाता है, और इनकी एक ऑफिशियल ड्रेस है। ऑफिशियल ड्रेस क्या है, भारत सरकार की या राज्य सरकार की फंक्शनों में लेने के लिए, ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए, ब्लैक या नेवी ब्लू सूट, वाइट शर्ट और टाई और शूज लेस वाले। तो दोस्तों ये सरकार ने तय कर रखा है, आपने देखा होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत सीनियर ऑफिसर को केवल ड्रेस की वजह से फटकार लगी थी, और कई बार ऐसा घटनाएं आती रहती हैं कि जो छोटी छोटी बातों की वजह से, तो ये डिस्टेस्ट, आपके बारे में बेस्वाद, एक ऐसा जो है आपके बारे में वो बोर्ड का माइंडसेट तय कर सकते हैं, अगर आपकी ख़राब ड्रेस है तो, कि उसकी भरपाई आपके ज्ञान से, आपके प्रश्नों से नहीं हो सकेगी। सादा जीवन, उच्च विचार, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन जो पद के अनुरूप गरमापूर्ण आचरण, उसके गरमापूर्ण आचरण में आपकी वेशभूषा भी शामिल है, इसका ध्यान रखें। लेडीज़ के लिए भी साड़ी सूट या कोट, फॉर्मल ड्रेस, ट्राउज़र शर्ट कोट ये भी पहन सकती हैं, साथ में साड़ी जो कि बॉर्डर वाली होती है, ज़्यादातर RAS के एस्पिरेंट उसको जानते हैं। बाकी हम पर्सनल मेंटरिंग में इसको बता रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, हेयर स्टाइल से लेके कुछ और नहीं लगना चाहिए, कुछ विचित्र नहीं लगना चाहिए, अननेसेसरी ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए, और ओवरऑल आपकी गरिमा को बढ़ाना चाहिए। आप
क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी का काम करते हो, जहाँ पे उस पद की एक गरिमा है, उस पद की गरिमा के हिसाब से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसमें कोई भी कैजुअल अप्रोच कभी भी कैसे भी वर्क नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से ही आपके बारे में बहुत ही कैजुअल विचारधारा बन सकती है बोर्ड की, आपके बारे में खराब विचारधारा बन सकती है। और दोस्तों आप अगर आपका सम्मान नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपका सम्मान क्यों करेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, डीप ब्रेदिंग से, गहरी सांस लेने से स्ट्रेस कम होता है। जब आप थोड़ा तनाव महसूस करो तो तनाव को इंटरव्यू के दौरान नियंत्रण में रखना होता है, तो इसका भी दोस्तों आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है और इसकी टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेवल अरेंजमेंट टाइम से करना है, टाइम से पहुँचना है बोर्ड में, जिससे कोई हड़बड़ नहीं हो और आपको इस लास्ट मिनट स्ट्रेस नहीं हो। अब दोस्तों जो बेसिस ऑफ असेसमेंट है पर्सनैलिटी का, एक है वर्बल कम्युनिकेशन, एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आपके जेस्चर, पोस्चर, डिलीवरी का तरीका और ज्ञान। ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं कि ये ज्ञान की परीक्षा नहीं है, मैंने भी बोला, तो ज्ञान का मतलब ये दुनिया में फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सारे फैक्ट के बारे में जानकारी रख सकता हो, और इंटरव्यू का ऐसे कोई डायरेक्ट जो है सिलेबस नहीं होता है कि आप उसको परफेक्टली सबको याद कर लो। तो दोस्तों इसका बहुत बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ममता, श्याम सुंदर जी थोड़ा कुछ अजय अलग तरह की इमोजी दे रहे हैं, अच्छी लग रही है। अजय, आरजे सिंह, सबको बहुत बहुत आपका आभार, आप जुड़े हुए हैं, और हो सकता मेरी आशा है कि आप सब लोगों के ये इंटरव्यू काम आएगा। तो दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जज की जाएगी, और वर्बल कम्युनिकेशन में जो फैक्ट है वो आपको, जो ज्ञान है जो आपका परीक्षा में टेस्ट किया जा सकता है, किया जा चुका है, उसके अलावा जो हम बोलते हैं कि करंट अफेयर्स, जनरल आपकी अवेयरनेस, आपकी इमोशनल कोशेंट, आपका सोशल कोशेंट ये कितना है, ये सब जो है इस सब की परख होगी, ठीक है। तो इस सब की, जैसे करंट अफेयर्स की तैयारी आपको अभी से करनी है, करंट अफेयर्स आपको एडिटोरियल पेजेस और जो सारी नॉलेज है वो आपको लेनी है, उसमें जो एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, हाल ही में न्यूज़ में क्या है उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी हासिल करनी है। जैसे अभी CA है, राम मंदिर का वो है कि धर्मनिरपेक्षता का इश्यू है कि भाई भारत सेक्युलर स्टेट है फिर भी प्रधानमंत्री जी क्यों गए, या मंदिर निर्माण पे इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, या अयोध्या पे इतना पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है, इस तरह के मुद्दे उसमें आएंगे, या राजस्थान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में अभी जो थोड़ा सा कम्युनिकेशन हुआ, या जो कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष और कोर्ट में, तो इससे जुड़े हुए इस तरह के सारे कानूनी विधेयक और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसकी आपको जानकारी हासिल करनी है। ये सारा हमारे जो ऐप है उसमें आपको हम विस्तार से लेक्चर सीरीज में इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब मुद्दा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आज का जो हमारा मेन, जो मेरे इस लेक्चर का उद्देश्य है वो है नॉन वर्बल या मौन संप्रेषण, बिना शब्दों के संप्रेषण। ये पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें क्या आपका फर्स्ट इंप्रेशन है कि आप एंट्री कैसे लेते हो, है ना। एंट्री लेने के लिए आपको मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब आप लोग जानते हो। ग्रेट कैसे करना है, आपको ग्रीट कैसे करना है, नमस्ते कैसे करना है, आप नमस्कार कर सकते हो, नमस्कार सर, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। सबसे पहले अगर कोई लेडी मेंबर है उनको एड्रेस करना है, फिर बोर्ड के जेंट्स मेंबर को एड्रेस करना है, आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून समय के अनुसार कुछ भी कर सकते हो। नमस्ते करते आपको पीछे स्थिर रह के सीधे हाथ जोड़ना है, और आपको ऐसे चलते हुए नमस्ते नहीं करना है परमिशन लेने के बाद, और आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है लेकिन आंखों में घूरना नहीं है, स्टेयरिंग नहीं करना है, स्टेयरिंग अभद्र होता है, आपको और सामने वाले दोनों को असहज कर सकती है। तो आई कॉन्टैक्ट का भी जो तरीका है उसको ध्यान रखें दोस्तों, है ना। सॉफ्ट फोकस रखना है गोल्डन ट्रायंगल पे। तो ये आपको ड्रेस, हेयर, क्लॉथ, शूज, ग्रूमिंग, मेकअप, ये सब आपको ध्यान रखना है जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते हैं। अगर इसमें आपको कोई डिटेल्ड एडवाइस चाहिए तो हम लोग इसको प्रोग्राम में, कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में कवर कर रहे हैं। ऐसे में ड्रेस के बारे में आपको ब्रीफली बता चुका हूँ, शूज लेस वाले ब्लैक, और लेडीज़ के लिए बिना लेस वाले, और ग्रूमिंग मेकअप आप लाइट कर सकते हैं जिससे कि वो अननेसेसरी ध्यान आकर्षित नहीं करे, साथ ही आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करे, आपको स्मार्ट दिखाए।
अब स्टैंडिंग का जो पोस्चर है वो सीधे है, आपके शोल्डर इरेक्ट होने चाहिए, आप बहुत ढीले नजर नहीं आने चाहिए और बहुत ज्यादा तने हुए भी नहीं होना चाहिए। तो आपको सहज, अलर्ट और जिम्मेदार और विनम्र आपको दिखना चाहिए, ठीक है। वॉकिंग स्टाइल नॉर्मल, जैसे आपको ना बहुत तेज ना बहुत कम, आराम से जैसे आप चलते हैं, और ये आप मॉक इंटरव्यूज में आपको इसका जो एडवाइस है वो मिल जाएगी। मेंटेन कंपोजर, आपको शांत रहना है। योग प्राणायाम की, गहरी सांस लेने की जो तकनीक है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में, दबाव की परिस्थिति में, पसीना पहुंचने जैसी, हकलाने जैसी, अटकने जैसी, आपको अगर 10 क्वेश्चन भी नहीं आए तो आराम से नो सर बोलिए, लेकिन शांत रहिए। एक हल्की मुस्कान आपके चेहरे पर रहना रहनी चाहिए हमेशा, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ज्ञान का परीक्षण हो चुका है। तो आपको अगर कितने भी प्रश्न क्वेश्चन नहीं आए, दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है एंट्री, जो आप रूम में लेंगे, परमिशन ग्रीटिंग में बता चुका हूँ। सीट आपको कैसे बैठना है, जब तक वो आपको बोले नहीं कि आपको बैठना है तब तक आप खड़े रहें शांति से, अच्छी पोजीशन में, और बोर्ड आपको कहेगा बैठने के लिए। अगर बोर्ड आपको अधिक देर तक खड़े होने के लिए नहीं, बैठने के लिए नहीं कह रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपके व्यवहार में बोर्ड ने ऐसा देखा है जिसको वो कन्फर्म करना चाहते हैं कि कहीं एरोगेंस तो नहीं है, कहीं कोई कैजुअल एटीट्यूड तो नहीं है। तो इसलिए हो सकता है बोर्ड आपको बैठने में कहने के लिए देर लगाए। 1-2 मिनट 3 मिनट तक आप जवान हो, यंग हो, फिट हो, बोर्ड से पूछने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 मिनट के बाद ही आप पूछें क्या मैं बैठ सकता हूँ। वैसी स्थिति आज तक नहीं आई है, आपके सामने भी नहीं आएगी, ठीक है। सॉफ्ट स्माइल का है ना, एक हल्की मुस्कुराहट का आपको मेंटेन करना है। कंपोजर, आई कांटेक्ट के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है काफ़ी लोग। हम अभी मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी कोचिंग में जाके आए तो वो ऐसे आंखों में घूरते हैं, वो भूल जाते हैं उनको कहना क्या है। अब बोर्ड मेंबर की आंखों में देख रहे हैं, दोनों असहज होता है। सामने अगर लेडी है, या आप लेडी हो, गर्ल हो, और सामने जेंट्स मेंबर है, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बहुत ही गहराई से देख रहे हैं, तो आपकी और दोनों की स्थिति बहुत अजीब हो जाएगी दोस्तों। इसको घूरना बोलते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बोलते हैं। तो आप घूरे नहीं, ये गैर कानूनी भी है अपोजिट जेंडर के केस में, ठीक है। तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। सॉफ्ट इंस्टेंस, गोल्डन ट्रायंगल, आप सब लोग जानते हो कि ये जो आईज वाला और ये फोरहेड वाला और जो आपका ये है, ये गोल्डन ट्रायंगल होता है। तो इस पे फोकस रखे आप, ठीक है, इस पे फोकस रखे पूरे इस गोल्डन ट्रायंगल पे। केवल आईज पे फोकस ना रखें, आपकी और दोनों की पोजीशन असहज हो जाएगी, आप आंसर भूल भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो जब आप उठने लगेंगे तो आपको थैंक यू करना है, 2-3 बार थैंक यू बोलना है, सारे मेंबर्स की तरफ देखते हुए बोलना है, झुक के बोलना है, यहाँ पे हाथ रख के बोलना है। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, और उसके बाद आराम से सहज भाव से जाना है। इंटरव्यू आपका 10 मिनट से लेके 30 मैक्सिमम 40 मिनट तक चल सकता है। तो ये उसमें उस पर निर्भर करेगा कि आप आंसर कितने बढ़िया और कितनी देर तक और क्या दे रहे हैं। हो सकता है आप आंसर इतने अच्छे नहीं दे पा रहे हैं तो इंटरव्यू ज़्यादा देर तक ना चले। इसके बाद दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन के लिए कुछ जनरल रूल है, ये जनरल रूल है। जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करोगे तो उसके जनरल रूल क्या है, आपको शांति से सुनना है, एकदम झपट के आंसर नहीं देना है। जैसे ही वो मेंबर बोले 2 सेकंड का आपको ब्रेक लेना है, चाहे कितना ही अच्छा आपको क्वेश्चन आ रहा हो दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी 2 सेकंड का पॉज लेना है, जैसे कि आप जिससे आपकी गंभीर छवि बनेगी, आप अच्छे से उसको बता पाओगे। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, एकदम से आपको आता हो तो झपट के ना पड़े। थैंक्स अ लॉट ममता, मनीषा, अनुष्का। इसके बाद आपको साफ बोलना है, थोड़ा काफ़ी जो कैंडिडेट है वो बहुत ही दबी आवाज़ में बोलते हैं दोस्तों। 3-4 मेंबर होते हैं, आजकल कोरोना का टाइम है, आपके और उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होती है, तो इतना कम आवाज़ में नहीं बोले, इससे आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस झलकता है। इतना क्लियरली, इतना लाउडली आपको बोलना है कि उनको आसानी से सुनाई दे, इसकी आप प्रैक्टिस करें।
बहुत कम आवाज़ में बोलने से आप में कॉन्फिडेंस की कमी झलकेगी, तो इसका खास ध्यान रखें। और आजकल के माहौल में तो थोड़ा अच्छा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप थोड़े डिस्टेंस पे होते हो। आपको जो डिलीवरी की पेस है वो प्रॉपर रखनी है। ये आप न्यूज़ रीड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे टीवी पे जो न्यूज़ एंकर पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट में दूरदर्शन और ये LSTV और RSTV पे जो बोलते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी पेस रखनी है। प्रोनंसिएशन आपको ये जनरल जर्नल नेशनल और ये सब ध्यान रखने हैं। मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, पहले थोड़ा बता चुका हूँ। तो इसका दोस्तों ध्यान रखना है इंग्लिश में हिंदी में कि प्रोनंसिएशन आपका डिक्शन आपका बेटर रहे, इसकी भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है। प्रॉपर वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको यूज़ करने हैं। जब आपको जैसे ही बीच में मेंबर इंटरप्ट करे तो आप बोलते ना रहें। काफ़ी लोगों की आदत है, हम मॉक इंटरव्यूज में भी देख रहे हैं कि मेंबर बीच में इंटरप्ट करता है फिर भी वो बोलते रहते हैं। तो जो न्यूज़ एंकर जो डेली के लाइव आमने सामने और ये जो प्रोग्राम आते हैं उसमें बोलते रहते हैं, दोस्तों आप कोई पॉलिटिकल पोस्ट के लिए नहीं जा रहे हो, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, लड़ना नहीं है। न्यूज़ जब जैसे ही मेंबर आपको इंटरप्ट करे आपको इमीडिएटली रुक जाना है और उसकी बात सुननी है, ठीक है? ओके। फिर आपको कामलेस, कॉन्फिडेंस, डिग्निटी, सिंसियरिटी, कन्विक्शन ये मेंटेन करने हैं। मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इमोशनल कोशेंट आपको ध्यान रखना है। काफ़ी कैंडिडेट नहीं आता है तो बहुत नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उन पर बहुत सारा प्रेशर होता है, उनके लिए लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि वो एकदम 3-4-5 क्वेश्चन उनको नहीं आए तो कई बार रोने लग जाते हैं, या एकदम नंब हो जाते हैं, या एकदम जो है उनके उनकी आवाज़ ट्रेम्बल करने लगती है। दोस्तों इस तरह से अगर आप करोगे तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे, आप लड़ाई लड़ने से पहले हार जाओगे। आपको चाहे इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में रोना नहीं है, हकलाना नहीं है, आपको ऐसे एकदम स्पीचलेस नहीं हो जाना है। आपको आराम से शांति से, नो सर मुझे अभी पता नहीं है, सर नो मैडम मैं पढ़ के आऊँगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, आराम से यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं। आप वहाँ तक पहुँचे हो, जानते हैं आपको नॉलेज है, ठीक है? तो ये आपको मेंटेन करके रखना है। EQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आजकल इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा है, ठीक है? ओवरऑल जो ट्रेनर है वो मॉडरेट बैलेंस रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, ठीक है? एक्सट्रीम पे केवल मोरल वैल्यूज़ या आपको जो ह्यूमन वैल्यूज़ है बेसिक, उन पे जाना है, उन पे कन्विक्शन दिखाना है। आउटलुक पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, किसी भी चीज़ पे विचार अंत में सकारात्मक रखने हैं। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आजकल इस पे बहुत जोर है। आपसे बार बार घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप में हार्डवर्क करने की क्षमता दिखनी चाहिए। अगर कोई ये बोलता है आपको कि कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आता, मैं तैयारी करूंगा, आप कैसे करोगे? आप 24 घंटे की ड्यूटी करोगे, आपकी ये सातों दिन 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, प्रशासन की नौकरी है, आप घर और परिवार उसमें कैसे बैलेंस करोगे? तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें हमेशा आपको कठिन परिश्रम या हार्डवर्क करने की क्षमता दिखानी है। आपको ये दिखाना है कि हाँ आप करोगे, कर सकते हो, आप बैलेंस करोगे, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, आप भी करोगे, क्यों नहीं आप कर पाओगे? और दूसरा है आइडियोलॉजिकल आपको रखना है, परंतु साथ में व्यावहारिक भी रहना है, आदर्शवादी भी आपको रहना है और उसमें व्यावहारिक भी रहना है और पोलाइट एंड फर्म रहना है। और दोस्तों ये जो सारे जो ये करेक्टरिस्टिक है आपकी 8-10 क्वेश्चन में चेक हो जाती है। पहला है, इसमें एक ऐड करोगे क्या? 8-10 क्वेश्चन में आपकी टेस्ट हो जाती है। पहला क्वेश्चन, आप RAS क्यों बनना चाहते हो? निश्चित रूप से 75% स्टूडेंट से ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? पहला वाई RAS, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जीत भी दिला सकते हैं और आपकी असफलता का कारण भी बन सकते हैं और आवश्यक रूप से आपसे पूछे जाएंगे। RAS आपको क्यों बनना है? दूसरा है, प्रशासन में, सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, आप क्यों आना चाहते हैं इस भ्रष्टाचार में, है ना? करप्शन, ठीक है। तीसरा है, आपका गैप हो गया, है ना? अब आपका गैप हो गया कि आप 2015-14 में ग्रेजुएट कर चुके हो और फिर इतना गैप है आपकी आज की स्थिति में और आपकी पढ़ाई कंप्लीट करने में, तो ये गैप क्यों है,
फिर है आपकी हॉबीज। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है आपकी क्वालिफिकेशन का यूज, ठीक है, आपका पास्ट जॉब, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम चलते हैं कि आपको आरएएस क्यों ज्वाइन करना है। अभी हम मॉक इंटरव्यू ले रहे थे तो इनके एक जो जनरल आंसर आते हैं वो ये आते हैं कि इसमें कार्य की विविधता है, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, इसमें आपको ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको पैसा मिलता है, आपको प्रतिष्ठा मिलती है, आपको सामाजिक सेवा, समाज की सेवा करने का अवसर मिलता है, इसलिए दोस्तों आप आरएएस ज्वाइन करना चाहते हो। इनके जो सारे जो तर्क है हर एक के लिए आंसर इसमें दोस्तों अलग होगा। ये जो आंसर है कॉमन आंसर आपका वर्क नहीं करेगा। जैसे कि पहले बोला आपने कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, सामाजिक सेवा के कार्य करने का अवसर है, तो दोस्तों अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा बल दोगे तो वो कहेंगे आप एनजीओ में क्यों नहीं जाते, एनजीओ क्यों नहीं खोलते, समाज सेवा तो वहाँ बेहतर होगी। कितने आरएएस हैं आप बता सकते हो कि जो समाज सेवा कर रहे हैं, जिनका समाज सेवा में नाम है, आप बताओ 10-5 आरएएस के नाम बताओ। आप बोलोगे कि इसमें कार्य की विविधता है, वो बोलते हैं आपको कितनी डाइवर्सिटी चाहिए, आप किस किस में डाइवर्सिटी चाहते हैं। कल को तो आप कहोगे कि एक काम क्यों नहीं कर सकते हो, वो कहते हैं कि मैं बोर हो जाता हूँ। तो कहेंगे कल को तो आपकी जो है शादी हो गई, आपकी बहुत दिन पत्नी हो गई, आप कहोगे कि मैं तो बोर हो गया और पत्नी चाहिए, भाई विविधता चाहिए आपको, या आपको किस किस चीज़ में आप विविधता मांगोगे। तो दोस्तों जो आप बोल रहे हो उसके अंत तक आपको तैयारी करनी है। हाँ, ये आप बोल रहे हो कि जनता की सेवा करना है, आप बोल रहे हो कि मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, वो कहेंगे आप इगोइस्ट हो, क्यों चाहिए आपको प्रतिष्ठा। तो दोस्तों आपके आंसर को आपकी पृष्ठभूमि में बैलेंस करना है आपको, आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं। आपको 3-4 ऐसे पॉइंट लिखने हैं कि उन किस किस वजह से आप आरएएस बनना चाहते हो, उन पॉइंटों की आपको एनालिसिस करनी है और फिर आपका आंसर देना है आपको। जैसे कि एक बहुत, जैसे आप ये कह सकते हो आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो, तो आप कह सकते हो कि मेरा बचपन से सपना है, मेरे फादर किसान हैं, हमारे परिवार में सबका सपना था हमारे घर में से कोई प्रशासनिक अधिकारी बने, इससे जुड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा, इससे जुड़ी कार्य की विविधता, इससे जुड़े अथॉरिटी जो समाज में सेवा का, गरीब का, शोषित का, वंचित का, वो न्याय दिलाने में, उनके आंसू पोंछने में जो ये सेवाएं मदद देती हैं, ये सेवाएं जिस तरह के अवसर उपलब्ध कराती हैं, और साथ में आपको अन्य सेवाओं की तरह रोजगार और जीवन यापन की सुरक्षा तो देती है, वो अद्भुत है, इसलिए मैं इनमें जाना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके कोई आइडल हो सकते हैं जिनकी जिनकी आप अनुकरण करके आपके आदर्श हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सेवा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये आपको अपनी पृष्ठभूमि में बैलेंस करना होगा। अगर ऐसे ये नहीं चलेगा कि समाज सेवा, कार्य की विविधता, ऐसे 4 लोगों से सुना हुआ नहीं चलेगा, आपको अपनी पृष्ठभूमि, आपको अपनी जो पढ़ाई, आपको अपने ज्ञान, आपको अपने जो अनुभव है उससे इसको जोड़ना होगा। तो हर व्यक्ति का आंसर अलग होगा, और इसी आंसर में दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन की लीड लेनी होगी, इंटरव्यू को आपको अपने डायरेक्शन में ले जाने की, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो आप उसको अपनी डायरेक्शन में ले जा सकते हो दोस्तों। तो इसका आंसर और विस्तार से एक एक कैंडिडेट में आप पर्सनल मेंटरिंग प्रोग्राम में पूछ सकते हो, बट इसमें फंसना नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ अगर फंसे तो आप गए, और ये ऐसे क्वेश्चन है इनका उत्तर आपने शानदार दिया तो सीधा सिक्सर, आप बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे और इंटरव्यू को ड्राइव करके ले जा सकते हो। जैसे आप इसमें आरएएस के में बोलोगे कि इसमें ये जो सेवाएं हैं इनमें कार्य की विविधता और सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन यापन की अच्छे जीवन स्तर के साथ जो नवाचार के उपलब्ध वो अवसर है ना, जो गरीब की सेवा करने के अद्भुत जो तरीके या जो आपको अवसर ये उपलब्ध कराती है
वो बहुत ही शानदार हैं। अब आप बोलेंगे कि नवाचार के अवसर, वो पूछेगा भाई क्या नवाचार करोगे, जैसे ही आप ये बोलोगे तो सीधा मुद्दा आएगा कि आप क्या नवाचार करोगे, क्योंकि उनको वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी तो पता चलेगा कि भाई आप कितना बढ़िया नवाचार कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो इस तरह से आप हिंट ड्रॉप कर सकते हो कि इसमें से जो लास्ट मैन तक डिलीवरी है उसको सुधारने का जो अवसर ये सेवाएं देती है, आरएएस देता है, वो अद्भुत है। अब लास्ट माइल डिलीवरी, लास्ट मैन डिलीवरी आपने यूज किया तो वो जरूर पूछेगा कि भाई आप कैसे लास्ट मैन डिलीवरी करोगे। तो ये सब बातें आप अपने अपने तरीके से एक एक व्यक्ति के लिए इतना शानदार आंसर इसका बना सकते हो कि सामने वाले को मजा आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा और आपका इंटरव्यू एक डायरेक्शन में निकल जाएगा, उनको लगेगा कि यार ये बंदा तो आरएएस में होना चाहिए। जैसे करप्शन, वो बोलते हैं कि साहब प्रशासन बहुत भ्रष्टाचार है भारत में, बोलते हो आप बोलते हो साहब नहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता, बहुत कम केस है। वो सीधा ही बोलेगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उठाओ, उसमें भारत की रैंक कितनी गंदी है और उसमें प्रशासनिक सेवाओं की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट आता है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आती है पोस्टिंग। तो अब आपके सामने क्या उत्तर है, आप कुछ बोलोगे नहीं नहीं तो मज़ा नहीं आया। तो दोस्तों इसका बहुत बैलेंस्ड आंसर आपको देना जरूरी है। बैलेंस्ड आंसर क्या होगा कि सर जितना एक मछली सारे तालाब, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हर व्यक्ति के लिए एक अलग आंसर होगा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। भारत की जनसंख्या बहुत है, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आएंगे, सेवाएं में जो व्यक्ति हैं वो समाज से आते हैं, समाज में कुछ न कुछ मूल्यों का कमी है। तो अब आपको ले जाना है कि समाज में एथिकल एजुकेशन की कुछ न कुछ कमी है, तो वो फिर इस पर भी एक सवाल पूछेगा, तो इसका तैयार करना है। तो आपने अगले क्वेश्चन के लिए एक हिंट भी छोड़ दी और आंसर दिया, तो वो इन सेवाओं में जो व्यक्ति आते हैं उनमें भी परिलक्षित होता है, उनमें भी वो प्रकट होता है, पर वो बहुत ही कम मात्रा में। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है या गंदा उसको बताया जाता है जबकि सारा तालाब गंदा नहीं होता, उसी तरह से इन सेवाओं का हाल है। बहुत जो भ्रष्टाचार है उसका स्तर जितना बोला जाता है उससे बहुत कम है, जो है वो भी नहीं होना चाहिए, और जो करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। आप देखो बड़े से बड़े अफसरों के खिलाफ, बड़े से बड़े जो अथॉरिटीज़ के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उसमें उसकी वजह से हम पूरे इसको भ्रष्टाचार को, पूरे सेवा में भ्रष्टाचार को नहीं मान सकते हैं। और कितने लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं इसीलिए शासन व्यवस्था पे आम आदमी का विश्वास है, इसीलिए आज ये देश चल रहा है, इसीलिए सारे लोग सुरक्षा का भाव महसूस करते हैं, इसीलिए अपराधियों में डर है, गलत काम करने वालों में डर है, भ्रष्टाचारियों में डर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको, इस जो आंसर है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने पक्ष में ले जा सकते हो। इसमें आप नैतिक मूल्यों का पतन, इसको भी जो है आप जोड़ सकते हो, इसमें नैतिक शिक्षा का अभाव, इसको भी जोड़ सकते हो हमारी शिक्षा व्यवस्था में, है ना। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हो कि इसके लिए जो है नवाचार करने की जरूरत है। इसमें आप ये जोड़ सकते हो कि हमारे जो कानून हैं वो काफ़ी उलझे हुए हैं, तो जो क्या करते हैं कि जो अधिकारी हैं जो निर्णय लेने की स्थिति में, वो एक जैसी परिस्थिति में उनको कई निर्णय लेने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इसमें आप बोल सकते हो कि हमारे कानूनी जटिलता, नियमों की जटिलता भ्रष्टाचार का एक कारण है, क्योंकि जो कानून है या जो नियम है वो एकदम स्पष्ट और सरल नहीं है, वो हमें एक ही परिस्थिति में एक जैसे सेट में अलग अलग निर्णय देने की, अलग अलग रूल अप्लाई करने का अवसर प्रदान करते हैं। उनके जो मतलब निकाला जाता है वो काफ़ी कठिनाई से निकाला जाता है, तो इस वजह से उलझाट शुरू होती है। दूसरा डिले, जैसे आप इसमें कह सकते हो कि सिटीजन चार्टर, जो डिलीवरी है उसका टाइम तय नहीं है कि कितने दिन में देना है, और डिले करने पर कोई सज़ा नहीं है, तो आप कह सकते हो कि कानूनी जटिलता, और दूसरा डिले की सज़ा नहीं होना, ये सारी चीज़ें आप इस आंसर में कवर कर सकते हो, बहुत खूबसूरती से पिरो सकते हो। तो क्या होगा कि जो आंसर होगा आपका इतना शानदार बनेगा। दोस्तों नवाचार क्या करेंगे ये नहीं बताया, एक घंटे की क्लास है,
पूरा ही आर्य साहब पूछ लो कि नेक्स्ट क्लास भी होगी दोस्तों, इसमें बहुत सीरीज चलेगी। नवाचार के बारे में नैतिक शिक्षा, नवाचार के बारे में कानूनी जटिलता इसको कम करना, नवाचार के बारे में डिले को कम करना, है ना, डिले को पनिश करना, आपके जो सबोर्डिनेट हैं उनको डिले, जो जैसे सिटीजन चार्टर है उसका सख्ती से लागू होना चाहिए। जो डिले होता है निर्णय लेने में, आपको तय करना होगा आपके ऑफिस में कि जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा कि एक व्यक्ति के पास फाइल एक दिन में ही उसको निर्णय लेना होगा, किसी को दो दिन में लेना होगा तो वो डिले नहीं कर पाएगा। तो आप टाइम बाउंड डिस्पोजल, नियमों का आप सरलीकरण करेंगे, उनका आप वाइड प्रचार करेंगे कि भाई आप जैसे मान लो कि सर्टिफिकेट मिलने हैं तो कैसे मिलेगा, उसका बोर्ड होना चाहिए एक बाहर से। और तीसरा है जनता का अधिकारी से कम संपर्क, ज्यादातर निर्णय ऑटोमेटिक होने चाहिए। उसमें क्या होता है, जब संपर्क होता है तो डिले करने की एक पावर आती है, तो आप ये कह सकते हो कि आप ऑटोमेटिक डिलीवरी पे जाओगे, आप ऑटोमेटेड सिस्टम्स पे जाओगे कि भाई आपने कंप्यूटराइज एप्लीकेशन दी आपका बन के आ जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप ये कहोगे कि अगर कोई तीन दिन में नहीं बनाता है तो उस कर्मचारी को सजा दी जाएगी। तो इस तरह नवाचार हर जो सेक्टर में आप अलग कर सकते हो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के मामले में है तो आप इसमें बहुत सारी चीजें और कर सकते हो। साथ में जो भ्रष्टाचार में जो पकड़े जाए उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई, आप कहो कि कानून ऐसा होना चाहिए कि उनको दो महीने में, 90 दिन में चार सीटें तो फैसला साल भर में तो हो ही जाना चाहिए, 20-20, 30-30 साल नहीं चलने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नवाचार हैं जो आप कर सकते हो हर सेक्टर में। तो जब आप ही लोगों, एक है गैप। अब दोस्तों ये मत पूछना कि आपके गैप को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। आपने 2012 में, 2014 में, 15 में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बीच में आप क्या कर रहे थे। ये प्रश्न, ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये, कि इन पे आप अगर फंसोगे तो इन पे आप अगर झूठ बोलोगे और पकड़े जाओगे, और अगर आप झूठ बोलोगे और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो निश्चित मानो पकड़े जाओगे, और अगर झूठ बोलते आप पकड़े गए तो आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, आपके अच्छे मार्क्स लेने की संभावना खत्म हो गई, आप मान के चलो। तो ये ऐसे है, आप बोर्ड ने तो आपको बताया नहीं कि इस तरह का आंसर देना है, ये आंसर आपने बनाया है, आप अपना जाल बुन रहे हो, अगर उसमें आप फंस रहे हो तो बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। तो आंसर आपको ऐसे देने हैं जिसमें आप फंसो ना, जिसमें आप कन्विक्शन से बिलीव करते हो, जिसकी आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। तैयारी का लेवल ऐसे होना चाहिए जैसे दोस्तों रॉ या CIA के एजेंट अगर किसी दूसरे धर्म के देश में जाके कार्रवाई कर रहे हैं तो वो इस तरह से घुल मिल जाते हैं, कोई उनको बोल नहीं सकता कि उनका वो धर्म नहीं है या उनकी वो पहचान नहीं है या उनकी वो एथनिक पहचान नहीं है। तो वो आपको जीनी पड़ेगी, जो ये आंसर है आपको जीना पड़ेगा और आपको अंदर तक इसका मनन करना पड़ेगा और इसको डिस्कस करना पड़ेगा अच्छे एक्सपर्ट से, ठीक है। जैसे गैप हो गया दोस्तों, गैप क्यों है, गैप बहुत तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे अच्छा जैसे गैप है, कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 50 RAS ऐसी वंडरफुल एग्जाम है, मैं तो किसी बहुत कम लोगों को सलाह देता हूँ कि खाली RAS की तैयारी करो, 3-3 साल में तो होती है, 2 एग्जाम के अटेम्प्ट लिए तो पता चला 13 में हुई, फिर 16 में हुई, अब चल रहा है 2018-20 आ गया। तो इसमें क्या होता है कि वो बंदा ऑलरेडी इतना टाइम निकल जाता है, अब वो दूसरा काम भी नहीं कर पाता क्योंकि RAS की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो बड़ा निगेटिव लगता है कि 6 साल से आप एक तैयारी कर रहे हो यार, आपने 2012 में ग्रेजुएशन कर लिया, 2011 में कर लिया, 2015 में कर लिया, आप क्या कर रहे हो। तो वो ऐसा लगता है कि आप निकम्मे हो या काम चोर हो क्या। तो इस तरह का जो इसमें आप पहली चीज तो कुछ न कुछ तो कर ही रहे होते हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बहुत एक तो बोलो कि सर मैं RAS की तैयारी करना चाह रहा था, तैयारी कर रहा हूँ और मेरा RAS बनना एक सपना है, इस सपने को मैं जीना चाहता हूँ और इसके लिए मैं किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो इसमें कोई कमी ना रहे। दोस्तों एक बात आपको और बता दूँ कि RAS इंटरव्यू बोर्ड के पास आपके रिटर्न के मार्क्स नहीं होते। तो आप बोल रहे हैं कि भाई पुराने में, तो बोले पहले क्यों नहीं हुआ, तो उसका आंसर आपको तैयार रखना है, वो आंसर भी हम बताएंगे। तो पहली चीज, मैं इसकी कन्विक्शन से तैयारी कर रहा हूँ, साथ में ही मैं अपने पापा की, अपने मम्मी की या किसी की भी, उनके काम में मदद कर रहा था।
अगर आपके पास कुछ नहीं है तो, अगर आपका बिजनेस है, पापा आपकी सर्विस करते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर्विस में कोई मदद कर रहा था, फिर आप कोई और काम बता सकते हैं, उसको अलग से डिस्कस किया जा सकता है जो बहुत सहज और सरल हो, जिससे परिवार के काम में कोई मदद मिलती हो। या आप कोई ऐसा काम बता सकते हैं सामाजिक कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप कोचिंग करते हैं, अगर वो पूछे तो। लेकिन आपको कन्विक्शन रखना है, बहुत अच्छा अवसर है आपको ये दिखाने का कि आप आरएएस के सपने में कितनी शिद्दत से विश्वास करते हो, इसके लिए कितना कुछ करने को तैयार हो। क्योंकि वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपको नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, हम आपका सिलेक्शन नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे, तब भी ये उत्तर आपके बहुत शानदार काम आएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आंसर को आपके आपकी स्पेशल परिस्थिति में बनाया जा सकता है। मैं सिर्फ आपको एक झलक दे रहा हूँ, बाकी तो ये आमने सामने डिस्कशन करके ही बनाया जाएगा। लेकिन ये ऐसा आंसर बनाया जाएगा और ऐसा आंसर हो सकता है कि इंटरव्यू को आपको एक दिशा मिल जाए, जिस दिशा में आप एक्सपर्ट हो उधर ले जाने की आपको अवसर है। ये बहुत शानदार। बुद्धराम जी, प्रियंका चौधरी जी, रहमान जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका। फिर है आपकी हॉबीज, ये एक अगला जाल है जिसमें वर्चुअली मकर जाल है, ये स्पाइडर्स वेब है जो कैंडिडेट खुद बनाता है और फंस जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा झूठ पकड़ा जाता है ना, और झूठ आपका पकड़ा गया तो इंटरव्यू का तो ख़त्म हो गया आपका। अब झूठ कैसे पकड़ा जाता है, आपको सोचता है क्या हॉबी बताऊँ। अच्छा, हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें 90% जनता की कोई हॉबी होती नहीं, लेकिन ये हॉबी का कंसेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे देश में आया। वहाँ पे ये माना जाता है कि भाई काम करने के अलावा आदमी कुछ न कुछ तो हॉबी करता है, तो हॉबी होनी चाहिए। तो सिविल सेवा भी किसी न किसी तरह ब्रिटिश सिस्टम की देन है, लीगेसी है। हमारे जो ऐसे भी जो साधारण या गरीब या मध्यम वर्ग वाले लोग, आधा टाइम तो उनका जीविका की सुरक्षा, आजीविका की, रोजगार की सुरक्षा या भविष्य के सपने बुनने में या नौकरी की तैयारी करने में इसमें निकल जाता है। तो बहुत कम लोगों की हॉबी होती है, और जो होती है तो बहुत छिपी हुई होती है, उनको भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर वो क्या होता है कि बहुत सारे साक्षात्कार गुरुओं या यूट्यूब यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सो कॉल्ड जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जिनको खुद को इसका कोई अनुभव नहीं है, उनके चक्कर में आ जाते हैं। वो बोलते हैं फैंसी हॉबी से क्रिकेट मेरी हॉबी है, बैडमिंटन मेरी, सिंगिंग मेरी, डांस। अब उनको सिंगिंग का एस और डांस का डी नहीं आता, फिल्मों के गाने सुने हैं खाली, और उसके बाद वो बोल रहा है सिंगिंग। अब उसे पूछा, भाई बताओ क्या सिंगिंग करते हो, आपको कौन सी जो सिंगिंग में है, आपको कौन से घराने से आप संबंधित हो, आप क्लासिकल हो या कंटेम्प्रेरी हो, कंटेम्प्रेरी है हो तो कंटेम्प्रेरी में आप क्या गाते हो। अब बंदा एकदम बौचक हो रहा है, उसने कुछ सुना नहीं, उसने सिंगिंग के नाम पे 5-4 गाने याद कर लिए और उसने कहा भाई ठीक है। या उससे पूछ लिया, भैया ये आपका इंटरेस्ट है कि हॉबी है। अब बंदा अटका हुआ है कि इंटरेस्ट है कि हॉबी है। तो दोस्तों ये बुद्धराम जी, ये आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर आपको कविया जी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। तो हॉबीज और विष्णु सर, डॉक्टर विष्णु शर्मा जी पढ़ा रहे हैं आपको राजस्थान के बारे में। तो हॉबीज़ का जो दोस्तों बहुत सोच समझ के, बहुत शानदार अलग अलग तरह की हॉबी है, ऐसी हॉबी है, क्योंकि नहीं बताओगे तो कुछ नंबर तो कम होंगे, क्योंकि वेस्टर्न कंसेप्ट से धीरे धीरे हमारी सिविल सर्विस में जो है ये एंटर कर गया कंसेप्ट। लेकिन ऐसी बहुत हॉबी है, अभी जैसे हम बहुत सारी डिस्कस कर रहे थे कि किचन गार्डन, ऑर्गेनिक सब्जी उगाना जैसे गांव के लोग हैं उनके लिए, या प्लॉगिंग है, या जैसे पेट एनिमल्स का पालन है, या गोपालन है, या सामाजिक कार्य है, या ऐसी सैकड़ों हॉबी हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो और जो आपके टेस्ट के अनुरूप भी होंगी, और जिनको देख के या आप जब मेरे से डिस्कस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरी है, बस करने का टाइम नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं हॉबी के बारे में आपको। अच्छा ओके बुद्धराम जी, सॉरी, आइए आप मिलिए कभी। तो हॉबी के बारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है डागोस चैनल पे। तो हॉबी के बारे में, आपकी हॉबी है तो वो बताइए, है तब भी उसका इतिहास, उसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उसके संबंधित अगर कुछ टेक्निकल रूल्स हैं तो वो, और उसमें आपने क्या परस्यू किया है, उसकी विशेष शाखा, ये सब ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसी हॉबी लीजिए
जो बहुत आसानी से, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप या आपका परिवार किसी न किसी कार्य से जुड़ा हुआ है, उस कार्य से जुड़ी भी कोई हॉबी होती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसको बढ़िया से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे अभी ये कहा कि साहब ठीक है हमारे सब्जी उगाने का काम है, मैं बोलो यार ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं। अब ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं निश्चित है इस पर क्वेश्चन बनेंगे, तुम सब्जी तो उगाते ही हो, खाद नहीं डालते उसमें, केमिकल नहीं डालते, आप बर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हो, आप देसी खाद यूज़ करते हो, आप गिलोय का पानी उसमें जो है कीटनाशक के तौर पर डालते हो, ये सब आपको जानकारी है तो आप आसानी से उसको बता सकते हो। और इंटरव्यू बोर्ड बहुत आसानी से दोस्तों आपसे प्रभावित होगा, होना ही पड़ेगा, आपसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक सब्जी उगाने उसके बारे में हजार सवाल पूछेगा और आप बहुत बेहतर ढंग से दे पाएंगे, क्योंकि खेती आपके घर का कार्य है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो उनमें आप इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो और आपकी जो कमजोरी है उसको सबसे मजबूत पक्ष में आप बदल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जाल में नहीं फंसना है, झूठ में आप नहीं पकड़े जाना है और प्याज की तरह कितनी परतें उगाड़ी जाएं, आपको लास्ट परत तक मजबूत रहना है और तैयारी करनी है और ऐसा झूठ नहीं बोलना है कि जो पकड़ा जाए। फिर है दोस्तों कि आपकी जो है ना क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का आपका कोई यूज़ नहीं है। आज वैसे सारी ये चीज़ें मैं नीचे क्लास में ली थी, कुछ दोस्त उसमें से भी जुड़े हुए हैं तो उनसे मेरा जो ये है कि उनके लिए काफ़ी रिपीटेटिव उनको लग रहा होगा कि क्वालिफिकेशन आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप पे सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है, क्यों आप जो है आरएएस में आके जर्नलिस्ट में बीए पास की नौकरी में ज्वाइन करना चाहते हो? अब आपके सामने जवाब नहीं आ रहा। अरे बहुत शानदार जवाब है, आरपीएससी ने आपको सारे डॉक्टर को, इंजीनियर को या किसी भी क्वालिफिकेशन वाले को इसमें भाग लेने से बार नहीं किया है, आपको इसमें से रोका नहीं है, आप एलिजिबल हो। तो आप बोलोगे सर आपने अलाउ किया है, मेरी हॉबी है या मेरी रुचि है, आपने अलाउ किया है, मैं सेवा में आना चाहता हूँ शिद्दत से। और प्रशासनिक सेवा के कार्य इतने विस्तृत हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से लेके, पशुपालन विभाग से लेके और उद्योग विभाग से लेके, एक्साइज से लेके और ऐसा कौन सा विभाग है, खनन विभाग से लेके, बिजली विभाग से लेके, जो सरकार के दायरे में नहीं आते और जहाँ आरएएस पोस्ट नहीं होता, तो उससे ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि आपने पब्लिक के पैसे से वो इंजीनियरिंग डॉक्टर वो की है, दोस्तों ये जो आरएएस स्टूडेंट के लिए प्रॉपर हॉबी क्या है, मैंने अभी इस पर काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है श्याम सुंदर जी, तो आप बैक में देख लेना और फिर आके भी आप चर्चा कर सकते हो। तो इस पर हॉबी पे अभी चर्चा हो चुकी है और ये सेशन भी ख़त्म होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन आप बोल सकते हो कि इतने विभाग हैं तो आरएएस से सरकार अपेक्षा करती है, इसीलिए वो सारी स्ट्रीम्स को इसमें अलाउ करती है कि बेस्ट टैलेंट आए हर विभाग में, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी आरएएस या आईएएस होते हैं और वो उसके प्रशासक होते हैं, मेडिकल एंड हेल्थ में भी होते हैं। अब एक डॉक्टर अगर आरएएस बना है, वो मेडिकल एंड हेल्थ का डायरेक्टर है, कितनी खूबसूरत बात है, वो उनकी प्रॉब्लम भी समझता है, उस डिपार्टमेंट की टेक्निकलिटीज भी समझता है और आरएएस की वजह से प्रशासन भी समझता है, तो कितने अच्छे तरीके से वहाँ की समस्याओं का समाधान वो कर पाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें सरकार के ही काम आने वाली है, आपकी शिक्षा भी आपकी आरएएस में आके और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर पाओगे। जहाँ तक एक इंजीनियर या डॉक्टर का लॉस है, तो ऑलरेडी भारत में बहुत ज़्यादा इंजीनियर और डॉक्टर ऑलरेडी है जिनकी सरकारी नौकरी जिनको अभी नहीं मिल पा रही है, तो आप बहुत आसानी से बहुत खूबसूरत जवाब इन चीज़ों का दे के अपने पक्ष में मोड़ सकते हो कि इतने विभागों में आप अपनी डिग्री के हिसाब से आप उस डिग्री का बहुत शानदार इस्तेमाल इस सर्विस में कर सकते हो। अगला है कि आपका एक्सपीरियंस, दोस्तों एक्सपीरियंस जहाँ आप रहे हो उस पे सवाल आएगा, ये सवाल अब नेक्स्ट सेशन में लूँगा मैं बाकी, क्योंकि ये और गंभीर होते जाएंगे जो सवाल है। आज सिर्फ शुरुआत है आरएएस से जुड़े हुए सेशंस की, तो इसमें दोस्तों जैसे एक्सपीरियंस है तो आपसे, अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपका कोई पूर्व जॉब है, आपका पद क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की विशेषताएं क्या हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की खामियां क्या हैं, उसमें कमजोरियां क्या हैं, ओके तो आपके जो ये सारी जो चीज़ें हैं
वो आपको पता होना चाहिए, आपके डिपार्टमेंट का हेड कौन है, आपके डिपार्टमेंट जो जिसमें आप काम कर चुके हो उसमें क्या सुधार करना चाहते हो, आपकी जिम्मेदारियां क्या थी, वहां पे आपने क्या परेशानियां महसूस किए, वहां पे आपने क्या इनोवेशन किए, वहां पे आपने कितनी शानदार सेवा की और वहां से आप इसमें क्यों आना चाहते हो। तो दोस्तों ये सारे जो सवाल है इनके आंसर आपको होने चाहिए। हम विस्तार से इन पे चर्चा करेंगे अगले सेशंस में, तो आप जुड़े रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए, और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको सादर नमस्कार करता हूँ दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।